हेलो दोस्तों, मेडिसिन जीके चैनल में फिर से एक बार नए वीडियो के साथ में हूँ आपका दोस्त। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बताएंगे डेरिफाइलिन इंजेक्शन के बारे में, इसके क्या डोज होना चाहिए, साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, इसके यूजेस के बारे में, इसके प्राइस कितना है, ये सब सारे बातें बताएंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस इंजेक्शन के बारे में टोटल जानकारी चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान जानलेवा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है 2 ml का एक एम्पूल, इस इंजेक्शन यह है इंजेक्शन, इसका नाम है डेरिफेलिन। तो फ्रेंड्स, हम इस नाम पे नहीं जाएंगे, इसमें जो दवाई है दवाई के बारे में बताएंगे। तो देखिए, इसमें जो दवाई है वो है इटूफाइलिन, दूसरा है थियोफाइलिन। तो ये टू कम्बिनेशन मेडिसिन ऑफ डेरिफेलिन इंजेक्शन। डेरिफेलिन इंजेक्शन के अंदर दो मेडिसिन पाया जाता है, यह मुख्यतः 2 साल्ट मिलकर बना हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस इंजेक्शन के उपयोग के बारे में हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये इंजेक्शन किसके लिए यूज़ होता है? तो फ्रेंड्स, ये इसका इस्तेमाल अस्थमा, सीओपीडी, सीओपीडी के मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, और या फोफड़ों में संक्रमण, या टीबी, सांस संबंधी कोई बीमारी, या खांसी, बलगम वाली खांसी हो तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी तरह अस्थमा जो होता है, जो सांस लेने की तकलीफ़ होता है, अगर इस इंजेक्शन के साथ एक बेटनासल इंजेक्शन होता है, बेटनासल इंजेक्शन के अंदर बेटामेथासोन सॉल्ट है, तो इंजेक्शन एक साथ में मिक्स करके लगाए तो अस्थमा, सीओपीडी और फोफड़े में संक्रमण तुरंत ठीक हो जाएगा। सांस संबंधी किसी भी बीमार या खांसी या बलगम वाली खांसी। तो फ्रेंड्स, ये था इसके यूजेस और इसका जो डोज है। तो फ्रेंड्स, IM और IV दोनों ही दे सकते हैं, लेकिन IV देना बेहतर होगा, क्योंकि IV देने से तुरंत आपको रिलीफ मिलेगा, यानी कि इंटरवेनस, और ये 8 साल के कम बच्चे के लिए सेफ नहीं है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं या प्रेग्नेंट है तो इसे लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले। तो फ्रेंड्स, किसी भी दवाइयाँ लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ही ज़रूरी है। और इसका क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है इस इंजेक्शन लेने के बाद, थोड़ा कॉमन साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि नोसिया, वोमिटिंग, एस्टमस, अपसेट, हेडेक, रेस्टलेसनेस। तो फ्रेंड्स, अगर साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा तो तुरंत डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, ये मार्केट मैन्युफैक्चर्ड बाय जेडस हेल्थ केयर और मार्केटेड बाय जर्मन रेमेडीज, बहुत ही अच्छा कंपनी का प्रोडक्ट है। देखिए लोगों, ये देखिए कितना सस्ता है, 100 रुपये 25 पैसा 2 ml का एक एम्पूल, कितना सस्ता इंजेक्शन है ये। तो फ्रेंड्स, ये था सब कुछ जानकारी डेरिफेलिन इंजेक्शन के बारे में। अगर आपका कोई भी और जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें। जय हिंद, थैंक यू।